हाय चैंपियंस, दिस इज केएस बाजवा। और चैंपियंस, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले लिया हुआ डिसीजन, आज मन इतना ज़्यादा खुश है। आज से 1.5 साल पहले वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, आज जनरेशन प्लान में मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बेस्ट कंपनी तो वो ओके लाइफ केयर है। और चैंपियंस आज से 1.5 साल पहले डिसीजन लिया था और सर ने एक नारा दिया था कि गाड़ी से पहले घर। तो चैंपियंस खुशी इस बात की है कि घर तो ऑलरेडी था, कल ओपनिंग करके आए हैं कल्याण शिखावत जी के 55 लाख के घर की। और चैंपियंस आज मैं 5 दिन के टूर के बाद नई गाड़ी फॉर्चुनर लेके आज हेड ऑफिस रोहतक आया हुआ हूँ। और आज हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ एंड एमडी, ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग दिशा दी है, आज एक नेटवर्कर के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के हक के लिए, एक कस्टमर के हक के लिए सोचा है। और चैंपियंस 4 सालों में पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है और वो ग्रेट पर्सनैलिटी है हम सब के रिस्पेक्टेड मिस्टर डीके सारन जी। और आज मन बड़ा खुश है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि आज सर गाड़ी, मैं चाहता था कि आज सर के साथ हम लाइव आए तो साथ में ग्रेट अपलाइन प्रदीप दास सर हैं। और मन बड़ा आज खुश है इस बात को लेके कि आज 1.5 साल के अंदर ये अचीवमेंट है और ये अभी शुरुआत हुई है। तो मैं आप सब लोगों के रूबरू कराने लगा हूँ हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ एंड एमडी मिस्टर डीके सारन जी। सर प्लीज। हाय, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो बाजवा जी को बहुत बहुत बधाई कि एक साहसिक फैसला लिया, रेंज रोवर लेने जा रहे थे, बड़े मुश्किल से समझाया कि भाई लग्जरी के पीछे मत दौड़िए, एक ऐसी गाड़ी लीजिए जिसके साथ आप फील्ड में जा सकें, दौड़ सकें और जो डेप्रिशिएट भी उतनी ज़्यादा नहीं हो और लग्जरी भी हो। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि रेंज रोवर ना लेके फॉर्चुनर ली जाए। और फॉर्चुनर ऑटोमेटिक मॉडल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि एक लीडर के लिए जितनी साथ निभाने वाली ये गाड़ी है उतनी शायद ही कोई गाड़ी हो, जैसे मर्जी चलाओ, जितना मर्जी चलाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है बाजवा जी का पे आउट, और पे आउट बनने के बाद भी मिसलीड नहीं होना, पे आउट बनने के बाद भी उस दिशा में नहीं भागना जिस दिशा में मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स भागते हैं, जमीन पे रहना, यथार्थ पे रहना और ऐसी अचीवमेंट लेके आना जिसको अगर कोई कॉपी भी करे तो उसे फायदा हो। ऐसी चीजों के पीछे भागें जिससे पूरी टीम में गलत मैसेज जाए या एक टीम में नीचे वाला लीडर जो थोड़ा सा पे आउट बनाने लगे और सीधा भाग ले लग्जरी गाड़ी की तरफ, क्योंकि लग्जरी गाड़ी जब लेते हो तो मेंटेनेंस भी हाई होती है, रिसेल भी बहुत कम रह जाती है और जितना आप दौड़ाते हो उतना दौड़ाने लायक भी वो गाड़ियां कम ही होती है। हाल दो, मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आप लगातार अपनी लाइफ में और अपने लीडर्स का, बहुत सारे लीडर्स का लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ले आए, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग घर बना लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि एक ऐसी गाड़ी जिस गाड़ी के साथ आप ड्राइव कर सकते हो, एक ऐसी गाड़ी जो आपका सालों साल साथ निभा सकती है, एक ऐसी गाड़ी जो आपको कम से कम नुकसान दे सकती है यानी कि सबसे कम डेप्रिशिएट होती है, वो गाड़ी है फॉर्चुनर। और रेंज रोवर ना लेके फॉर्चुनर लेना कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने का काम किया है बाजवा जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत जल्दी से इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो आप बहुत इंटेलिजेंट लीडर हैं और इसी तरीके से आगे बढ़िए। ये वक्त गाड़ियां लेने का और घर बनाने का, हमने हमेशा कहा घर पहले गाड़ी बाद में। और गाड़ी भी लो तो वो गाड़ी लो जो गाड़ी आप सालों साल चला सकते हो, आप कई साल चला सकते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई और भी गाड़ी लेनी पड़े तो वो गाड़ी आपको बेचनी नहीं पड़े, उस गाड़ी को आप साथ में कैरी कर सके। क्योंकि एक लीडर के लिए मुझे लगता है अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है तो उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी लो मेंटेनेंस होनी चाहिए, ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए और जितने मर्जी किलोमीटर चलाओ, जैसे लीडर जितना दौड़ता है उतना निखरता है, वो गाड़ी भी वैसी होनी चाहिए कि वो जितनी दौड़ाई जाए उतनी
निखरे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस सोच के लिए, और मैं आगे भी हमारे लीडर से यही चाहूँगा कि वो लग्जरी में ना जाके वो ऑडी बीएम मर्सिडीज रेंज रोवर जगुआर इन गाड़ियों में ना जाके पहले वो गाड़ियाँ लें जो उनका साथ फील्ड में निभा सकें और कम से कम डेप्रिशिएट हों, तो वो मुझे अच्छा लगता है। सेकेंड थिंग, आज बहुत बहुत बधाई बाजवा जी को कि आज मैं इसे बहुत ही अच्छी गाड़ी मानता हूँ। मुझे लगता है फॉर्च्यूनर अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, अपने आप में एक अलग गाड़ी है और बहुत सेफ है। तो बाजवा जी बहुत बहुत बधाई हो। आपको कैसा महसूस हो रहा है वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी मुस्कान से दिख रहा है। आपके साथ मैडम हैं, मिसेस बाजवा जी हैं, तो मैम आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया सर। तो आपको कैसा लगता अगर ये रेंज रोवर लेके आते तो? अभी रेंज रोवर से तो इतनी दौड़ नहीं ना लग पाती, क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, मतलब कि चीज को मतलब कि बड़ा करके नहीं दिखाना है, हमने लेवल के ऊपर रख के चलना है और कामयाबी को नीचे वालों को भी दिखाना है कि कैसी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। दिखावे का बिजनेस नहीं करना है, एक फ्लेक्सिबल इनकम नहीं बनानी, एक परमानेंट इनकम बनानी है इस बिजनेस से। थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ पा रहे हैं, दिखावे का बिजनेस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को दिखावे की इंडस्ट्री बना के छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसे शोबिज बना दिया है। इस इंडस्ट्री को वापस उन लोगों के लिए लेके आना है जो अपना घर चलाना चाहते हैं, जो 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 लाख रुपया कमा के हैप्पी फील करते हैं और बड़ा कमाने वाले। बट ऑब्वियस है, हर जगह है, हर इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में भी है, वहां पे भी चंद लोग हैं, यहाँ पे भी चंद लोग हैं। उन्हीं चंद लोगों को चेहरा बना के और ड्रीम सेलिंग की जाए तो वो कहीं मुझे नाइंसाफी लगती है एक नए प्लेयर के साथ, एक नए डायरेक्ट सेलर के साथ। जैसे आप लाते हो उसे आप लग्जरी का सपना दिखा के मत लाएं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको वो पूरा कैसे कर सकते हैं उसे सिखा के लेके आए। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है सपने से ज्यादा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, रियलिटी इम्पॉर्टेंट है, उसका घर कैसे चलेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो घर चलाने के लिए उसे कितनी सेल करनी पड़ेगी वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब आप रियल बिजनेस करने की बात करते हैं, जब आप प्रोडक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के असली महत्व को समझते हैं, तो आप ऐसे ही डिसीजन लेते हैं जैसे आज बाजवा जी ने लिया। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि ये इसे कहते हैं लीडरशिप जो सही और गलत के बीच का फैसला करना जानती है। Thank you very much. Love you all.